Hanum and today we are in Lahore. आपने probably सुना ही होगा जिनने लाहौर नहीं देखा वो जमया नहीं। अब मुझे ये नहीं पता कि जमया का मतलब पैदा होना है या फ्रीज होना। वैसे बाय द वे फ्रीज से मुझे याद है आज सुबह इधर वाकई में काफ़ी ठंडा टेम्परेचर था, इट वॉज फ्रीजिंग। इस बात का तो हम सभी इत्तेफाक रखते हैं कि लाहौर अपने खानों की वजह से, जिनको यहाँ पर खावे कहते हैं, यूनिक राइट, बहुत ज़्यादा मशहूर है। प्रोग्राम स्ट्रीट फूड पर हमेशा हम उन लोकल हीरोज की तलाश में होते हैं जिनको कम हम कहते हैं रियल मास्टर शेफ, जिनकी यम्मी लिशियस फूड रेसिपीज़ ने मचा दी हो धूम। तो ये मेरे लाहौर के जासूसों ने पता लगाया है एक ऐसे ढाबे का जिस पर बिकता है अमृतसर हरीसा। हम कराची आए तो हैं भाई हलीम के दीवाने। जहाँ तक मैंने सुना है कि ये अमृतसर हरीसा जो है ना, अपनी टेस्ट वाइज अपनी मिसाल आप है। मेरी सोर्सेस कहती हैं कि आप अमृतसर हरीसा को हलीम की स्टेप सिस्टर भी कह सकते हैं। ये अमृतसर हरीसा के पीछे क्या रेसिपी है, क्या छुपा है, इसके पीछे एक ख़ानदान की 70 साल की मेहनत भी है। ऑल्सो बाय द वे, ये पीछे जो है ना यहाँ का काफ़ी मशहूर मेट्रो है, लेकिन मुझे यहाँ का रास्ता नहीं पता तो आई गेस हम टैक्सी मंगवा लेते हैं। सफ़र के बाद हम आ चुके हैं गवाल मंडी फूड स्ट्रीट निस्बत रोड की तरफ और यही है ओरिजिनल अमृतसरी हरीसा। यहाँ पे आपको 3-4 दुकानें नज़र आएंगी लेकिन यही वाला ओरिजिनल है। तो चलिए इनसे पूछते हैं कि इनकी दुकान के पीछे, इस रेसिपी के पीछे क्या कहानी है, हम भी जानते हैं और आपको भी बताते हैं। सबसे पहली बात तो मुझे आपसे ये पूछना है कि आपने ये दुकान कब शुरुआत की इसकी? एक्चुअली ये दादाजी हमारे मसर से आए हैं, उनके सही इधर हुए हैं पाकिस्तान में, तो इधर दादाजी ने हमारे हरीसा लगाया है। मैं आपसे ये जानना चाहती हूँ कि आपकी कितनी ब्रांचेज हैं, क्योंकि मैंने आते में 3-4 देखी थी। हमारी एक ही ब्रांच है, यही वाली है। अच्छा, सिर्फ एक ही है, यही ओरिजिनल है आप? इसके अलावा हमारी कोई ब्रांच नहीं है अभी तक। जब आपके दादा अबू ने ये शुरुआत की इस चीज़ की, तो उनकी मदद ज़्यादा कौन करता था, घर में किस तरह से इसकी शुरुआत की थी, तो इसमें आपके घर वाले मतलब मदद करते थे उस वक्त? औरतें घर की, दादी जान भी बनाती थी सारा रेसिपी, वो ही घर वाले बनाते, कबाब भी, हर चीज़ जितनी भी रेसिपी है वो दादाजी हम घर लेडीज वगैरह बनाते थे। तो मुझे आप ये बताएं कि ये उसी वक्त से ये सारी रेसिपीज है या उस वक्त एक ही तरह का बनता था? दो तरह का बनता था, बीफ और चिकन बनता था, देसी चिकन। मटन का हो गया, हमें 5 साल लगाते हुए। दादा अबू के जो भाई वगैरह थे, क्या उन्होंने भी मदद की या उन्होंने ये खुद ही किया? सिर्फ दादाजी लेके आए थे, उन्होंने भाइयों ने भी किया, फिर आगे उन्होंने बेटों ने किया, भाई वगैरह हैं, कजन वगैरह भी हैं, चाचू जी भी बैठते हैं इधर। अच्छा, तो ये एक तरह का फैमिली मतलब बिजनेस है। मुझे लगता है व्यूअर्स को भी ये एहसास होगा कि सिर्फ एक खाने की डिश नहीं है आपका जो हरीसा है जो बिकता है, उसके पीछे एक पूरी कहानी है, आपकी मेहनत है, आपके दादा की मेहनत है। अगर ये 70 साल से चलते हुए आ रहा है तो इसका ये मतलब तो नहीं है ना, तो ये ऐसे ही है, आप लोगों ने उस पर मतलब लग के काम किया है अगर आज तक आपकी दुकान चल रही है। अगर ये एक दुकान है, इसी लेन में 4 और दुकान है, लेकिन सब आपकी दुकान का जानते हैं। अच्छा, आपको कैसे लगता है अपना हरीसा खाने में? ये सर्दियों की स्वाद है, गर्मियों में ये खाया नहीं जाता, इतना गर्म होता है। स्पेशल मतलब के इंग्रेडिएंट्स आपकी तरफ से क्या होते हैं? हरीसा बनता है गर्म मसाले, दालें वगैरह, चावल वगैरह डलते हैं इसमें, दलिया वगैरह होता है। बहुत दूर से कराची से भी लोग आते हैं, पेशावर से भी आते हैं, बाइक से भी आते हैं। अच्छा, तो आप मुझे ये बताएं कि हलीम और हरीसे में क्या फ़र्क होता है? डिफरेंट टेस्ट है, इसका ज़्यादा टेस्ट है, उसका ज़्यादा टेस्ट है हलीम का। मसालों, मसाले का फ़र्क है, बनावट का फ़र्क है। इसको बनने में कितना टाइम लगता है? 10 से 12 घंटे लगते हैं इसको बनते हुए। और अमृतसरी हरीसा और जो अरबी हरीसा होता है उसमें फ़र्क क्या है? फ़र्क ये है, हमने 70 साल इधर हो गए, हमने कभी अरबी हरीसा खाया नहीं है। अच्छा। ना हम कभी गए हैं। लोग इसको ज़्यादा पसंद करते हैं, उधर तो लाइट मिर्चें वगैरह होती हैं, ये स्पाइसी होता है थोड़ा सा। ये बात तो है कि जिस चीज़ में ज़्यादा मिर्चें हों
थोड़ा मसाला हो तड़का, वो हमारी आवाम को बिल्कुल ज़ाहिर है ज़्यादा पसंद आता है, और मैं भी उनमें से ही हूँ, तो मैं इंतज़ार कर रही हूँ ये खाने के लिए। तो आपके पास दिन में कितने कहाँ खा जाते हैं? माशाल्लाह अल्लाह का शुक्र है, थोड़ा सा और मौसम अच्छा होता तो माशाल्लाह उधर तो बेल भी नहीं आती। कितने तरह के हरीसे बनाते हैं आप लोग? तीन तरह के होते हैं, बीफ का होता है, मटन का होता है और देसी मुर्गे का होता है, चिकन का। अच्छा अच्छा भाई, हम तो चिकन वाले हैं, लेकिन आप लोगों को बताने के लिए हम ज़रूर तीनों ट्राई करेंगे और तीनों का बताएंगे कि हमें कैसा लगा और क्या है। यहाँ पे बनता है इनका हरीसा और मैं इनसे पूछूंगी कि कौन सा वाला कौन सा है, क्योंकि मुझे समझ नहीं आ रहा। अच्छा, तो मुझे आप बताएं कि इसमें से चिकन वाला कौन सा है? ये बड़ा है। और बीफ वाला? ये। और मटन वाला? वो आगे बड़ा। अच्छा, तो इसको मुझे आप बताएं कि इसमें मेन जो है कि इसमें क्या डलता है? देसी घी में तड़का लगाते हैं, जब घी गर्म हो जाती है उसके बाद ये पालक डलती है, उसके बाद ये कबाब डलते हैं, उसके बाद ये हरीसा डलता है और 10 से 15 मिनट पकाते हैं इसको, फिर ये रेडी हो जाता है। ये पालक मेथी है। तो ये इसमें डालते हैं जी? और ये? ये गरम मसाले तैयार किए हुए हैं। सारी चीज़ें आप साथ डाल सकते हैं अलग अलग? इसमें सभी दालें पड़ती हैं, जौ का दलिया पड़ता है, गोश्त डालते हैं, मसाले वगैरह डालते हैं। 9 घंटे में तैयार होता है। अच्छा, मुझे आपसे पूछना है कि भाई आप ये कितने साल से कर रहे हैं, कब से बना रहे हैं? यहाँ मुझे 22 साल हो गए हैं काम करते हुए, तो यहाँ मैं 22 साल से तड़का लगा रहा हूँ। पाकिस्तान सभी इलाकों से आते हैं, जैसे आप कराची से आए, बहुत लोग कराची से आते हैं, इस्लामाबाद से आते हैं, दिल्ली से आते हैं, चारों हर शहर से आते हैं लोग यहाँ खाने के लिए। सर्दियों में मटन, बीफ और देसी मुर्गा। इस तरह से होता है कि बहुत ज़्यादा तेज़ होता है या क्या होता है? नॉर्मल होता है। अच्छा ठीक है, देखते हैं मुझे जैसे कराची वाले को ये कैसा लगता है। हम मटन खिलाएंगे आपको, मटन छोटे गोश्त वाला। अच्छा, मुझे एक बात बताएं कि आपको जो आपको अपनी तौर पे सबसे अच्छा वाला कौन सा लगता है? हम तो सभी खाते हैं, जिस पे दिल चाहता है वही खा लेते हैं। अच्छा ठीक है, सही है। तो जैसे कि आप देख सकते हैं भाई, ये खुद ही इतने बड़े के रेस्टोरेंट के ओनर हैं और ये कराची से आए हुए हैं, मतलब लाहौर यहाँ से ये पार्सल लेके जा रहे हैं अपने साथ। हम कराची वाले थोड़े होते हैं रंगीन मिजाज वाले। हम तकरीबन 25 साल से इधर से खा रहे हैं, बल्कि 30 साल हो गए हैं इधर खाते हुए। तकरीबन 10-12 साल हो गए। चलो इस बात है ये ठीक है, और रिसा वाल मंडी का बहुत बेहतरीन है। पहली दफ़ा खा रहे हैं, पहले मैं अपने वालद साहब के साथ खाता था, अब अपने बेटे के साथ खाता हूँ। पाकिस्तान में ऐसा ना हरीसा जो होता है ना, ये सर्दियों में ज़्यादा खाया जाता है, उसके कारण ये इसमें ना काफ़ी दालें और छोटा गोश्त जो होता है ना वो मिक्स होकर ना वो बनता है। काफ़ी सारी चीज़ें मिक्स होती हैं, दालें और छोटा गोश्त भी है। नाम बड़ा सुना हुआ था हरीसे का, तो मैंने भाईजान को बोला आज शालीमार से नहीं, आज शाहजिन हरीसा वाले से पूछा चाहिए। इन जैसा जो हरीसा लजीज है वो किसी और का नहीं है। और आप, मैं तो कहता हूँ कि जो नाज़रीन हज़रात ये चीज़ देख रहे हैं, जो आप लोग हैं ये भी आप टेस्ट करके देखें ताकि आपको पता लगे कि ये क्या चीज़ है। जो लोग खाएंगे वही बताएंगे ना, हम तो ऑलरेडी रूम पे ही हैं, तो हमारा तो 12 महीने का यही यहाँ पे इधर है, घर भी इधर ही है, तो खाते भी इधर से ही हैं। तो माशाल्लाह पहली दफ़ा खाया है, मज़ा आया है, तो नेक्स्ट भी जब लाहौर आएंगे तो इनसे खाना खाया करेंगे। और मैं सबको बताऊँगा कि आप इधर आके खाएँ और दूसरों का खाएँ, आपको टेस्ट का फ़र्क पता लगेगा। यहाँ का टेस्ट जो है ना वो काफ़ी अच्छा होता है। मैं तो यही कहूँगा जिन भाई ने कभी नहीं खाया वो भी आगे खाएँ, उसके टेस्ट का इंजॉय करके अपने फैमिली को बताएं और खाने की दावत दें। हमने पहले अपने घर में टेस्ट किया था खुद बना के गुजरात में, लेकिन वो सेम टेस्ट है ये वाला, तो मुझे ऐसे लगा जैसे घर में बना के खा रहे हैं। और किसी चीज़ का फ़र्क नहीं, टेस्ट का फ़र्क है। जब आप किसी चीज़ को खाते हैं तो आपको पता लग जाता है
इसके किसका टेस्ट अच्छा किसका अच्छा टेस्ट नहीं है। जब हम इधर आते हैं तो हमें टेस्ट का पता होता है कि इनका टेस्ट सबसे अच्छा है। अमेजिंग है, फैंटास्टिक है। पैसे भी मकबूल है, ज़्यादा पैसे भी नहीं लेते। यही बोलेंगे कि जो भी लाहौर आता है पूरे पाकिस्तान से वो इधर इनके पास हरीसा अमृतसरी वालों के पास आए हरीसा खाने के लिए। और कोई ये मुबालगा राय वाली बात नहीं, सही बात आपको बता रहे हैं। मुझे लग रही है बहुत ज़्यादा भूख, अब देखते हैं कितनी देर में आता है। अच्छा तो ये चिकन मटन और बीफ वाले तीनों हरीसे आ चुके हैं और मुझे इनको खाने का बड़ा दिल हो रहा है और मैं इनको अभी खाऊंगी। वैसे जो स्मेल है ना वो वाकई में बहुत अच्छी आ रही है, तो आप इनको खा के देखते हैं। बहुत अच्छा है ये, यानी वाकई में बहुत अच्छा है। तो मैंने जो है ना ये सारा खा लिया है अब अपना हरीसा, और मुझे जो है ना खा के तो ये बहुत ही ज़्यादा अच्छा लगा है। जो बीफ वाला है उसमें बीफ का ज़्यादा टेस्ट है, जो चिकन वाला है उसमें थोड़ा पालक का भी मिक्सचर आ रहा है, चिकन का भी टेस्ट आ रहा है। मुझे लगा था कि ये कुछ हलीम जैसा होगा लेकिन ऐसा नहीं है, ये हलीम से बहुत ज़्यादा डिफरेंट है। ये इसकी एक अपनी टेस्ट है, एक अपनी जगह है हलीम से अलग, क्योंकि इसमें थोड़ा दालों का भी मिक्सचर है, थोड़ा कबाब का भी टेस्ट आ रहा है। तो मुझे तो ये खा के बहुत ज़्यादा अच्छा लगा, क्योंकि अभी थोड़ी थोड़ी सर्दियाँ भी आ रही हैं, तो गरम गरम इस नान के साथ ही खा के ना इसका तो मज़ा ही कुछ और हो गया।